नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और पीछे से भी जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा बुनेंगे। इस प्रकार हमारा बेस लाइन तैयार हो जाएगा। और अब डिज़ाइन का पहला लाइन, 3 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा बुनते हुए हमने बेस लाइन तैयार कर लिया है। और अब ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2, और हमने जो 3 फंदा सीधा बुना था तो वो अब एक लाइन, एक फंदा आगे आ जाएगा। तो इसके लिए पहले हम सीधे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर जो उल्टा फंदा हमने छोड़ा था उसमें सिलाई डाल के उसको भी सीधा बना लेंगे, और फिर तीसरा फंदा। तो ये 3 फंदा सीधा हो गया। अब फिर 3 फंदा उल्टा। डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये उल्टा वाला फंदा जो है वो सीधे वाले फंदे के बाद कर लेंगे, और सीधा वाला फंदा पहले करके इसे सीधा बुन लेंगे। उल्टा वाला फंदा भी अब सीधा बन जाएगा, ये 2 सीधे हो गए और ये तीसरा सीधा फंदा हो गया। और जो लास्ट 3 सीधे फंदे का ये तीसरा सीधा फंदा था, अब ये उल्टा फंदा में बदल जाएगा। तो एक ये उल्टा हो गया और 2 उल्टे और बना लिए। तो हमारा 3 सीधा और 3 उल्टा का क्रम चलता रहेगा, डिज़ाइन एक एक फंदा आगे बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले सीधे वाले फंदे को, पहले दूसरे वाले फंदे को बुन लेंगे, फिर पहले वाले फंदे को बुनेंगे। 3 फंदा सीधा हो गया, फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, और ये उल्टा फंदा था अब ये सीधा हो जाएगा और लास्ट फंदा सीधा। सेकेंड रो और बैक साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर अगला फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर 3 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा। 3 फंदा सीधा और 3 फंदे का उल्टा का क्रम चलता रहेगा आगे और पीछे दोनों तरफ से, और लास्ट फंदा उल्टा। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 1 फंदा उल्टा, और अब डिज़ाइन एक फंदे के आगे आ जाएगा। तो पहले सीधा वाला फंदा बुन लेंगे, फिर उल्टा वाला फंदा को भी सीधा बुन लेंगे, 2 सीधा हो गया और ये 3 सीधा फंदा हो गया। और जो सीधा फंदा एक बचा हुआ है अब उसको उल्टा बुनेंगे, तो 3 उल्टा बुनना है, 1 ये हो गया और 2 उल्टा और बना लेंगे, तो 3 उल्टा, 3 सीधा और 3 उल्टा। अब हमको 3 सीधा फंदा बनाना है, तो इसको एक फंदे के आगे कर लेंगे, या तो हम इसका स्थान बदल के ऐसे आगे कर सकते हैं, 3 सीधा फंदा बुन लिया और 3 उल्टा, या फिर पहले सीधे वाले फंदे को जैसे सिलाई डालेंगे,
और इसको सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टे वाला फंदा जो है उसमें भी सिलाई डाल के इसको भी सीधा बुन लेंगे। दो सीधा बुन गया और ये तीसरा फंदा, तीन फंदा उल्टा। पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, सीधा बना लेंगे और फिर ऐसे ही रखे हुए अब पहला वाला जो उल्टा फंदा है उसमें सिलाई डालेंगे और उसको भी सीधा बना लेंगे और अब दोनों फंदों को गिरा देंगे और लास्ट फंदा सीधा। पीछे से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा। इसी तरह तीन फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर अब हमको डिज़ाइन एक फंदा आगे आ जा रहा है तो पहले सीधा वाला फंदा बुनेंगे और फिर उल्टा वाला फंदा उसको भी सीधा बुन लेंगे। दो सीधा हो गया और ये तीसरा सीधा फंदा, लास्ट वाला सीधा फंदा जो है वो अब उल्टा बन जाएगा, तो तीन उल्टा फंदा बुनेंगे। तीन उल्टा फंदा हो गया और लास्ट वाला उल्टा फंदा है इसको अभी छोड़ के पहले सीधा वाला फंदा बुनेंगे और फिर उल्टा वाला फंदा जो है उसको भी सीधा बना लेंगे। हर सीधी लाइन में डिज़ाइन एक फंदा आगे आ जा रहा है और तीन सीधा तीन उल्टे का क्रम चलेगा। सीधा वाला फंदा देखिए ऊपर से हम ऐसे बुन रहे हैं, पहले सीधा फंदा बुनेंगे और उसके बाद उल्टा वाला फंदा बुनेंगे, तो ये ऐसे ऊपर ऐसे लाइन बनता चला जाएगा। तीन उल्टा, पीछे से पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा। देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन बन के तैयार है, डिज़ाइन बहुत ही आसान है। तीन फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा पर ये बेस्ट है। हर सीधी लाइन में डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ जा रहा है। उल्टा डिज़ाइन दो ही लाइन का है और हर सीधी लाइन में डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ जा रहा है। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से देखिए, पीछे से भी ये कितना खूबसूरत है। जेंट्स स्वेटर में ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आप इसे अपने प्रोजेक्ट में डालिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।